नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रहीय परिवर्तन होने वाला है। कलयुग के राजा राहु मीन राशि में मौजूद होकर बलवान होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 10 सितंबर 2024 से राहु वक्री चाल चलते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं और शनिदेव के नक्षत्र में यानी अपने परम मित्र के नक्षत्र में विराजित होकर ये 10 जनवरी 2025 तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं और जहां फिर 18 मई तक मीन राशि में रहेंगे और रेवती नक्षत्र में वक्री चाल चलने वाले हैं। इस समयावधि में यानी इस 8 माह 10 दिन की समयावधि में राहु मीन राशि में मौजूद होकर अच्छे नक्षत्रों में चलायमान रहेंगे, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, राहु देव वर्तमान समय में आपके कुंडली के 12वें घर में मौजूद हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहेगी। तो मेष राशि वाले जातकों, राहु के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में राहु देव को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। समुद्र मंथन के समय इनकी उत्पत्ति हुई है। केवल सिर का निचला हिस्सा इनके पास नहीं है, केवल सिर का ऊपरी हिस्सा राहु के पास है। इसलिए राहु देव किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अगर प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तनिक भी शुभ अवस्था में विराजित हों, तो जातक को रंग से राजा जल्दी बनाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सफलता की ऊंचाई में जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और एक राशि में 18 महीने तक ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं। राहु की अवस्था बलवान होने पर कुशाग्र बुद्धिमता, विचारों में एकाग्रता और विशेष जुनून जातक के अंदर रहता है। यानी अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अपना सर्वस्व लगाकर किसी भी फील्ड में काम करेगा तो जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। अगर यही राहु कुंडली पर पीड़ित हो जाते हैं, खराब होते हैं, दिवा स्वप्न यानी दिन में जातक स्वप्ने देखता है, आलस्य और प्रमाद की स्थिति बनती है, पीड़ित राहु के प्रभाव से मादक पदार्थों का सेवन करने की आदत हो जाती है। राहु पीड़ित हो तो वैवाहिक समस्या और समाज में मान सम्मान की कमी लगातार बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, राहु की जो अवस्था है वो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि आपके कुंडली के द्वादश घर में प्रभावी हैं। लेकिन चूंकि ये शनिदेव के नक्षत्र में विराजित हैं और वर्तमान में शनिदेव जो हैं वो आपके राशि में बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में यानी आपके 11th हाउस में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर राहुदेव आपको शुभ परिणाम देने के लिए विवश हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के पंचम दृष्टि जो है राहु की आपके सुख भाव पर जाने वाली है, सापी दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव पर जाने वाली है और जो नौमी दृष्टि है दर्शकों आपके राशि के अष्टम घर में जाने वाली है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए वर्क प्लेस पर व्यक्तित्व की वजह से आपको सफलता मिलने वाली है। वर्तमान समय में शनि के नक्षत्र में प्रभावी हैं, तो आप इस समयावधि में किसी भी हद तक जुनून लगाकर काम करने में, तत्पर होकर काम करने में सफल रहने वाले हैं। मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में राहु से जुड़ा हुआ सेक्टर में काम कर रहे हैं, यदि आपका जुड़ाव आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, बिजली
अनुसंधान, दवाई निर्माण, तामसिक पदार्थों का काम करते हैं, मशीनरी या वर्तमान समय में जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, या इस समयावधि में ऐसे जातक जो इस समयावधि में हवाई जहाज चलाने का काम करते हैं, वायुयान से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके जीवन में यहां पर शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, राहु का संबंध जो है वो आपके चतुर्थ भाव से अच्छा बनने वाला है। ऐसे में पिछले समयावधि से यदि आप घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, पिछले समय से ले नहीं पा रहे हैं, तो वर्तमान समय में भौतिक सुखों की वृद्धि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आपके जीवन में समय बहुत ही बेहतर स्थिति बनाने वाला है। आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं, तो मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में राहु देव प्रबल शुभता देने वाले हैं। और मेष राशि वाले जातकों को हम बता देना चाहते हैं कि राहु का जो संबंध है वो आपके कुंडली के अष्टम घर से भी बनने वाला है, तो वर्तमान समय में विदेश में रहकर जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं और इस समयावधि में यदि आप दर्शन शास्त्र रिसर्च या अनुसंधान यानी यदि आप शोध कार्यों से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि आपकी जो योजनाएं हैं, आपने पिछले समय से बहुत सारी योजनाएं बनाई है और निरंतर आपकी योजनाओं में असफलता अगर आपको मिली है, तो इस समयावधि में ये जो 8 महीने का समय है इसमें यदि आप प्रयास करते हैं तो आपकी योजनाएं फलीभूत होने वाली है। केवल एक ही बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, विचारों में एकाग्रता आपकी कायम रहनी चाहिए तथा जिस भी काम को आप करें उसमें आपकी जो तत्परता है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक समय के लिए यानी कुछ समयावधि के लिए आपने जुनून लगाकर काम किया और उसके पश्चात आपने हाथ पर हाथ रखकर आप बैठ गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी मिलेगा। अब चूंकि यहां पर द्वादश घर में प्रभावी हैं, तो आपको सावधान क्या रहना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में सावधान रहना चाहिए। कुंडली के 12वें घर में राहु का जब प्रभाव होता है तो जातक के जीवन में वासनात्मक क्रिया काफी ज्यादा हावी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना भी बनती है। ऐसे में संबंधों में सुधार, संबंधों में पारदर्शिता और अपने जीवन में संयम पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको खर्चों पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए यहां पर हम आपको उपाय की जानकारी देना चाहते हैं। देखिए राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता दुर्गा मानी जाती है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अगर आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और आपको बुरा परिणाम दे रही है, 3 बुधवार 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल, ऐसा नारियल लेना है जो इससे आवाज आती हो, पानी वाला नारियल आपको नहीं लेना है। इन दोनों को शरीर से एंटी क्लॉक वाइज उतारकर संध्या के समय बुधवार के दिन तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं समाप्त होने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।